ये भाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। या एक बात तो एक व्यक्ति अपने पोते को भी गोद में खिला रहे थे, बोल रहा था एक साल का बच्चा, बाबा बाबा। उसी समय उनके यहां एक महात्मा कहे कि चौथे पंथ मकान न जाओ, चौथा बना गया घर में बाबा बाबा करा रहे, बाबा बाबा। तो बाबा बाबा करा रहे तो सचमुच का बाबा बन जाइए ना, इसे बाबा बाबा करा रहे हैं, बाबा बाबा तो बन जाइए बाबा। तब तक वह व्यक्ति बोला कि बन जाते, लेकिन उधर से तुरंत मेरा पुत्री का जो लड़का है आगे कहता है, ना 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 मत बनना। ऐ गृहस्थ का भी एक अलग आनंद है। उस कहा गया कि जीवन में अगर सत्संग न मिला, परिवार में अगर पुत्र नहीं हुआ, वह जीवन किस काम का। उस धर्म को धर्म कहीं हम क्यों, क्योंकि जिससे धर्म में धर्म प्रथा ही ना। लेकिन इस धर्म के चक्कर में छोड़िए, गृहस्थ भी अच्छा से बच जाए, कम सौभाग्य की बात नहीं है। क्योंकि जे करे दुअरे अतरे खोतरे, मतलब जो भी छोटा सा गृहस्थी हो, बड़ा सा गृहस्थी हो, छोटा सा मकान हो या झोपड़ी हो, जे करे दुअरे अतरे खोतरे हेराय अतिथि के जुराएल नाही। दो अतिथि आ गए और उसके लिए दो रोटी नहीं बना, बेकार। जे करे दुअरे अतरे खोतरे हेराय अतिथि के जुराएल नाही। अंगना भोरावा नित आंगन मथनी नहीं बाजे, संझवा सतसंग सुनाएल नाही। लड़कन बाल गोपालन के खेलले धोतिया कुरता धुरियाएल नाही। तथन लाख तिजोरी में बंद रहे, असली गृहस्थ के आनंद आएल नाही। ये गृहस्थी का आनंद है। वस्त्र नहीं गंदा हुआ बच्चे से, क्या फिर जीवन, समझिए कि जीवन ही गंदा हो गया। और सत्संग सुनने को नहीं मिला, सामने सुन रहे हैं, भले आंगन नहीं भगवान का आंगन में, ये दशरथ का अंजन नहीं है, रामे जी का अंजन। तो वास्तव में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। और यहां तो हमेशा सत्संग होता है, दैनिक मंच है, प्रतिदिन प्रतिवर्ष। और कहा गया कि उस धर्म को धर्म कहे हम क्यों, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। काहे लगी धर्म कहे, जिसमें धर्म का कोई नियम कानून नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म ही एक सबसे बड़ा धर्म है, बाकी धर्म में नियम कानून नहीं है। इसमें एक सिस्टम है जिंदगी जीने का, मां के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसे, पत्नी के साथ कैसे, भाई के साथ कैसे। ये भारतीय संस्कृति है, भले आज विकृति पश्चिमी सभ्यता की आ गई है। पश्चिमी सभ्यता में आपको पता ही नहीं चलेगा, पत्नी एक माता, हेलो मॉम, अब दूर से क्या पता चलेगा, जाकर माँ से भी हाथ ही मिलाएगा और पत्नी से हाथ ही मिलाएगा, आवाज
सुनने में आएगा तो मौम आदमी सुनेगा तो जान सकता है कि माता बोल रहा है, जिसको देखना है केवल वो समझेगा कि पत्नी की माँ है, नहीं समझ पाएगा। सबको हाथे मिलाना है, लेकिन यहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। ये यहां की सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। ये विदेश की सभ्यता नहीं है, ये भारत की सभ्यता है। तो इसीलिए हम उसी को धर्म कहेंगे जो सनातन है, वैदिक है, यहां नियम कानून है, और नियम बनाने वाले स्वयं नारायण है। ये नहीं कि हमारा नियम बनाया हुआ है, नहीं, हमारा जो नियम बनाया हुआ चल रहा है संविधान, हमारा जो नियम भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ है उसमें 150 से ऊपर संशोधन हो गया, बार बार संशोधन करना पड़ रहा है, ऐसा नियम है। लेकिन भगवान के बनाया गया नियम में कोई संशोधन नहीं, कहीं त्रुटिए नहीं, एक संशोधन कीजिएगा, क्योंकि भगवान जिनके एक इशारे पर सरस्वती नृत्य करने लगती है उन्होंने नियम बनाया है। और यहां जो हम लोग नियम बनाते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह को हृदय में राग द्वेष को रख करके बनाते हैं, इसीलिए यह समय समय पर गलत साबित होता है। इसीलिए कहा गया उस धर्म को धर्म कहे हम क्यों, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। जिसमें धर्म में, जिस धर्म में धर्म का कोई नियम कानून नहीं है उसको हम धर्म क्यों कहे भाई। अरे उसे मित्र को मित्र कहे हम क्यों, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। देखिए मित्रता वहां किनकी, सुदामा कृष्ण की। ऐसे बेहाल बिहाई न स्वपग जाल लगे पुणि कंटक जोए, पाए महादुख। हे सखा पाए महादुख, बीते न इत किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल सुपग धोए। ये है मित्रता, ये सुदामा का काट उतना दुख नहीं दिया जितना भगवान ने करुणा कर दिया। और ये सुदामा अब इनका हृदय इतना करुणा में, दोनों के नेत्र से जल बह रहे हैं, ऐसी स्थिति देखकर सुदामा जी बाप परमात्मा जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, वो आज द्वारिकाधीश चरण धो रहे हैं। यह उस मित्र को मित्र कहे हम क्यों, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो। कैसी मित्रता, मित्र को कुछ कष्ट हुआ तो सरका मित्र व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कर दिया, ये मित्रता थोड़े है। ये कैसी मित्रता है कि दूसरे के दुख को शेयर करके अपना टीआरपी बढ़ा ले, पब्लिसिटी बढ़ा ले, ये मित्रता नहीं है। मित्रता सीखनी है तो कृष्ण और सुदामा से सीखिए, राम और विभीषण से सीखिए, राम और सुग्रीव से सीखिए। क्योंकि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, राम जी ने कहा, उसको बड़ा पाप लगाता है। जे न हो मित्र दुख दुखारी। तो
उनको बड़ा पाप लगता है। समित्र को मित्र कहे हम क्यों जे समित्र में मित्र व्यथा ही न हो। उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्यों जिस प्रेम में प्रेम मथा ही न हो। मथाना मतलब परिचय भूल जाएगा आदमी, अपना अस्तित्व खो देना ही मित्रता है, प्रेम है। गोपी जब कृष्ण भगवान रात्रि 12 बजे मुरली बजाने लगे बुलाने के लिए, लीला बहुत की है कृष्ण भगवान, चित चोर है सब गोपियों के चित को चुरा लेने वाले। अब ये बजा रहे मुरली, अब पति को कोई खाना दे रही थी, कोई ससुर को खिला रही थी, कोई ज्येष्ठ को खिला रही थी, कोई देवर को खिला रही थी, चीनी मांगे नमक दे देती, सब्जी मांगे खीर दे देती, सब उल्टा के बना दे की शुद्धि बुद्धि कृष्ण ले गए थे। जल्दी जल्दी देकर दौड़ गई सब कृष्ण को जाकर के वहां रात्रि में घेर लिया। कृष्ण वहां ने मुरली बंद कर दिया। मुरली की तान सुनकर आई हो? हाँ ठीक है मैंने बंद कर दिया, घर जाओ। गोपियां कहें कि देखो बुलाना तुम्हारे बस में था, भेजना नहीं रहा। नहीं कि गोपी दर्शन के लिए वो तो पलक को ही दोषी देती थी कि पलक क्यों गिर रहा है। एक पल बताइए पलक कितना देर गिरता है। ये पलक भी हमारे और तुम्हारे बीच में एक दीवार, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए, उसी को प्रेम कहेंगे। नहीं तो फिर बाकी तो सब स्वार्थ लाभ हो या विपरीत, सुर नर होने की यही सब रीति जो हम लोग करते हैं। हालांकि ये स्वार्थ भी कहेंगे सार्थक है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बिगाड़ तो नहीं रहे, उसका ही जीवन अच्छा होगा, देश काल को समझेगा, आज 21वीं सदी में कैसे जीना है, भले अच्छा ज्ञान हुआ तो हमारी आज्ञा को मानेगा, सेवा करेगा, इसमें थोड़ा हमारा स्वार्थ है लेकिन इसमें उसका भी कल्याण है। हालांकि ये स्वार्थ ही है, बबुआ पढ़ जाइए तो बढ़िया पतो हो नहीं बहु लाएंगे, एक ही स्वार्थ रहता है, बाकी स्वार्थ ही है। कहा गया मात कहे मेरे पुत स्वपुत, बहन कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरे है कुल दीपक, मेरा बेटा पिताजी कह रहे, तात कहे मेरा है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़िया, पत्नी कहे मेरे जाकर मैं लू इनकी दो बलैया, कभी गंगा कहे सुन साह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपया। मूल में स्वार्थ लाभ होए विपरीत, सुर नर मुनि की यही सब रीति। हम किस खेत की मूली है, ऐसा संसार है। इसीलिए इतना इसीलिए कथा सुनना जरूरी है ताकि हमसे 10% अपराध हो सके, और ना तो 90% हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कथा सुनने से क्या फायदा है, मरेंगे नहीं। एक भक्त भक्त ने पूछा कि कथा सुनना से क्या फायदा होगा, दुख नहीं होगा? संत ने कहा होगा, कहे नहीं होगा, अच्छा होगा, मृत्यु में ही होगा, होगा, तब कथा से क्या फायदा। कहा संत ने गाड़ी चलाते हो? कहा बाबा कल ही फॉर्चूनर नया लिए है 40 लाख का। अच्छा लिए हो, उसका ब्रेक निकाल दोगे तो क्या होगा बाबा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एकदम रोड पर निकलते ही लगे
आत्मा को सत्य है तो वही बात है। ये कथा और ब्रेक रहेगा तो संभल कर चलाएंगे तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा बाबा? होगा, लेकिन कौन खतरा रहेगा? ब्रेक से कंट्रोल किया जा सकता है कभी कभी, हालांकि होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन बिना ब्रेक वाले से ब्रेक वाले का संभावना बचने का अधिक रहेगा। जिस गाड़ी ब्रेक है उसको बचने की संभावना अधिक। तो यह कथा क्या है? ब्रेक है। ऐसे बिना ब्रेक का जीवन है। कथा ये ब्रेक है बेटा, संस्कार रूपी, मर्यादा रूपी, ज्ञान रूपी, धर्म रूपी, हमेशा ये जीवन में ब्रेक लगाते रहोगे, स्मरण आते रहेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कष्ट आएगा, गम आएगा, घटना घटेगा, कौन घटेगा? ये कथा से लाभ है। तो जीवन में तो जो होगा होगा ही, यही जीवन में घटना सुनी किसकी? मां सती की कथे नहीं सुनी। शंकर भगवान तो कथा के आदि भक्ता है। कथा कहत सुनत कुछ दिन वहां रहे और फिर मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी भवन गयो। कौन है साथ में? दक्ष कुमारी चले भवन संग, दक्ष माता वाला विशेषण खींच लिया को समझ लेते। कथा नहीं सुनेंगे और अच्छा कहेंगे, भले का है ना। सती मैया अब बताइए धार्मिक दृष्टिकोण से, अलौकिक दृष्टिकोण से तो स्वामी जी ने माँ जगत जननी को भी माँ वाला संबोधन छीन लिया। हम लोगों के बारे में क्या भगवान गणना करते होंगे? स्वामी जी कहा क्या करते होंगे गोस्वामी जी जानते होंगे, जहां होंगे गोस्वामी जी निकाल लिया विशेषण। इसीलिए मैंने कहा उस धर्म का धर्म कहे हम, नियम कानून। क्या नियम कानून है? आहार निद्रा भय मैथुन समान मीतत पशु भी नराणा। देखिए मैया सो रही है, ओह झपकी ले रही है, कथा का भरपूर लाभ उठा रही है आप, क्योंकि जहां शांति है वहीं तो नींद। अशांति में घर में कलह की छो जाए झगड़ा हो इतनी नहीं आएगा, टेंशन में नींद पेंशन लाने चला जाता है। जहां शांति मिलता है वही नींद आती है, भरपूर आनंद। हालांकि सबको यह आनंद ले तो आहार निद्रा वही चल रहा है प्रसंग। भय मैथुन च समान मेतत पशु भी नराणा। आहार किसको भूख नहीं लगता? संसार में जितने सभी प्राणी हैं सबको भूख आती है, नींद सबको आती है, आहार निद्रा भय सबको लगता है। बड़ी लोग कहते हैं कि हम नहीं भयभीत हैं, कौन नहीं भयभीत है? जितने जीव हैं सबको भय है। और भय का है भाई, क्यों भय है? कितने संत बैरागी हैं संसार विरक्त है उनको ही भय है? हाँ भय है, किस बात का भय? हे भगवान कहीं भूल कर भी अपराध ना हो जाए, बुराई से भय है। कहीं काम क्रोध न ग्रास ले, इस बात का भय है। भय तो होना ही भी चाहिए, अपने गुरु का भय है, भगवान का कहीं प्रेम न टूट जाए इस बात का भय है। और मरने तो सबको भय है, क्यों? घोड़ा पर चढ़े और घोड़ा पटक दिया, दोबारा चढ़ने के नाम तो रुआ रुते खड़े हो जाएंगे, डर लगेगा कि नहीं दोबारा फिर चढ़ाया जाए
भय आएगा? भय आएगा नहीं। भले कोई जबरदस्ती चढ़ा दे, नदी में कोई डूब रहा है और उसको निकाल लिया, कोई छान लिया, बचा लिया गोता को, उसको दोबारा पानी देखते लोटा बाल्टी से गंगा के तट पर स्नान कर लेगा, क्योंकि वह उस घटना को झेला है। इसीलिए हम लोग कई बार मर चुके हैं, मृत्यु को झेले हैं, इसलिए मृत्यु के नाम पर डर लगता है। कई बार मर मर के ना आए हैं जी, लेकिन आना ही है कपड़े बदल बदल के। तो आहार निद्रा कथा सोचिए, जल्दी जल्दी बढ़ जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा कथा भगवान की कृपा से थोड़ा आध्यात्मिक विचारधारा की है, और आप लोग शहरी समझदार श्रोता नित्य सुनने वाले हैं। क्या बोल रही है माता जी? तो ये तो रामकथा ही हो रही, भागवत कहाँ हो रही है? पहले दिन आई लग रहा है मैया। ओ जय श्री राम। बीच में आने वाले को सब कुछ एक ही दिन में समझ में आ जाएगा, तो कोई अंतिम दिन आरती लगाने आएगा नहीं, स्कूल बात समझ जाएगा जी। जय सियाराम। इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा, बैठिए आपको जरूर कुछ समझ में आ जाएगा। आते ही लाभ मत सोचिए, आपको लाभ कल बुझाएगा परसों, अभी आप बैठिए, जब आप में कथा बैठ जाएगी समझ में आएगा। ये आहार निद्रा भय मैथुन च, भय सबको लगता है, प्रजनन करने की क्षमता सब में है, लेकिन ये सारे होने के बाद भी धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म के माध्यम से व्यक्ति क्या बनता है? मानव बनता है, मानव मानव बनता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कभी धर्म में नहीं ना पशु ही समान, वह पशु के समान है जो धर्म को नहीं मानता है। इसलिए हमारा सनातन वैदिक धर्म ही धर्म कहा गया, बाकी सब संप्रदाय है, इसी का एक पत्ता है, डाल है, टहनी है, मूल तो एक सनातन है। तो उस धर्म को धर्म कहें हम क्यों, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, उस मित्र को मित्र कहें हम क्यों, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो, उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्यों, जिस प्रेम में प्रेम मथाहीन हो, उस गांव को गांव कहे हम क्यों, जिस गांव में राम कथाहीन हो, जिस गांव में कृष्ण कथाहीन हो। किसी की भी कथा होनी चाहिए, कथा का अर्थ ही क्या होता है? को मतलब आनंद, कम आनंदम, थ मतलब स्थापना, आनंद की जिसके जीवन स्थापना हो जाए उसे कहते हैं कथा। कम सुखम स्थापयति इति कथ, क का अर्थ दुख होता है, कम थ का मतलब हरण करने वाला, कम दुखम हरति इति कथ। कम मतलब होता है ब्रह्म, अक्षर तो ब्रह्म ही है, सप्तम ब्रह्म अस्ति, सप्त ब्रह्म है, कम ब्रह्म, ब्रह्म स्थापयति, जिससे हमारे जीवन में परमात्मा की स्थापना हो जाए वह है कथा। तो यही कथा सुनकर एक आनंद में लौट रहे हैं और एक संशय में लौट रही हैं। विशेषण छीन लिया गोस्वामी जी ने, कहा कि कौन जा रही है? चले संग दक्ष कुमारी, शंकर भगवान जा रहे हैं दक्ष कुमारी के साथ। दक्ष अहंकार की
अहंकार का प्रतीक है और उसी अहंकार की पुत्री संशय रूप में जाती है। चले भवन संग दक्ष कुमारी कभी मुनि संग पीड़ा मान की त्रिपुरारी। यहां इनकी विशेषण बढ़ गया, त्रिपुरार हो गए, अखिलेश्वर हुए, त्रिपुरार हुए, इनका तो विशेषण बढ़ ही रहा है। लेकिन इनका विशेषण घट रहा है। तही अवसर उसी समय तही अवसर भंजन मही भारा धरती के भार का हरण करने के लिए, भार मतलब 125 करोड़ की जनसंख्या हो गई भारत में, ये भार नहीं है। क्या भार है? पाप से धरती भर जाती है, वो भार अपराध से, कृतघ्न से व्यक्ति कोई किसी पर उपकार कर दे और ऐसे उपकार को लोग भुला देते हैं, ऐसे लोगों का वजन धरती मैया नहीं सह पाती। ऐसे भार का हरण करने के लिए राम जी आते हैं। हरि हरि रघुवंश लीन अवतारा, भगवान रघुकुल में अवतार लिए हैं इस धरती का भार हरण करने के, और लीला कर रहे हैं। और महादेव जी क्या सोच रहे हैं? लीला प्रभु जी कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हरा, अब जा रहे हृदय विचारते हुए किसी के बारे में खूब बड़ाई सुन लिया जाए,